आपके अपने YouTube चैनल बिल्डिंग शिक्षा वैनिता चंद्रा में। जैसे कि आपको पता है हम साइकोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, हमने वहाँ पे पियाजे वाइगोसी की थ्योरी कर ली थी। आज हमारी जो थर्ड थ्योरी है वो है इरेक्शन, है ना। तो इरेक्शन है कौन, ये एक साइकोलॉजिस्ट है जर्मन के, जिन्होंने हम इसका पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अब इन्होंने अपनी जो थ्योरी है इसमें सबसे अलग बात क्या कही, क्योंकि हर साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बात करते हैं। तो जैसे हम बात करें कि हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होती है ना, तो ये भी बोलते हैं कि जो हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट है वो भी 8 स्टेजेस में होती है। हम अलग अलग स्टेज को पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या है वो समझेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब बाकी जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या करते हैं एडोलेसेंस में जाकर रुक जाते हैं कि नहीं डेवलपमेंट वहीं तक होती है, लेकिन ये अकेले ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया है कि जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक होती है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है ना। तो इन्होंने ये बोला, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये कहाँ के हैं, जर्मनी के, है ना, जर्मन के हैं। और ये जर्मन के हैं और जब ये अपना मतलब भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे एक बार यूरोप में, तो उनकी जो मुलाकात है सिगमंड फ्राइड से हुई थी, है ना, फ्राइड को हम पढ़ेंगे। तो ये उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे ज्यादा प्रभावित हैं। और इन्होंने इसको क्या बोला, लाइफ ऑफ क्राइसिस, है ना। तो इन्होंने अपने साइको सोशल डेवलपमेंट को क्या बोला है, लाइफ ऑफ क्राइसिस। और इन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे की जो स्टेजेस है, जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, चाइल्डहुड से लेके लाइफ लॉन्ग, मतलब जब उसकी डेथ नहीं होती तब तक चलती रहती है, ठीक है। तो हम इनकी स्टेजेस की बात कर लेते हैं एक एक कर। तो हम इरेक्शन की अगर बात करें स्टेजेस की, तो इन्होंने कितने 8 स्टेजेस दिए हैं, है ना। जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो भी 8 हैं और इनकी भी क्या है, 8 है, ठीक है। इन्हीं 8ों के बीच जो है हमारी जो स्टेजेस हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब इसमें है क्या, इसमें कुछ जो स्टेजेस हैं वो पॉजिटिव हैं और कुछ क्या है, नेगेटिव है ना। और एक स्टेजेस दूसरे स्टेजेस को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, कि अगर ऊपर वाली स्टेजेस खराब होगी तो नीचे वाली ऑब्वियसली खराब होगी, है ना, और ऊपर वाली अच्छी होगी तो नीचे वाली भी अच्छी होती चली जाएंगी। तो ये क्या है, एक जो स्टेजेस है वो दूसरे को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो पहली स्टेजेस देख लेते हैं और आपको ये सेम जैसे मैंने लिखा है ना सीरीज में वैसे ही याद होनी चाहिए, और उनका टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए कि कौन सी एज में कौन सी स्टेजेस होती है। तो पहली बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस, है ना, विश्वास बनाम अविश्वास। तो ये जो एज है वो कितनी होती है, 0 to 8। अब इसकी कैरेक्टर हम पढ़ लेंगे एक एक करके, सिर्फ अभी समझ देते हैं ना। तो कहते हैं 0 to 18 months, 18 months भी लिख सकते हैं, ये 0 to 1.5 साल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेज सेम, मतलब स्वयं सत्ता बनाम लज्जा, ये कौन सी एज होती है, 1.5 साल से लेके 3 साल तक की एज। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब पहल बनाम अपराध, ये होती है 3 साल से लेके 6 साल तक, आपको ऐसे याद रखनी है उसमें सीरीज वाइज। फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, मतलब व्यवसाय बनाम हीनता, तो ये होती है 6 से लेके 12। अब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये होती है हमारी 12 से लेकर 20 साल तक की एज, जो हम इसको एडोलेसेंस एज भी बोलते हैं ना, और ये पॉवर्टी एज भी इसमें मिक्स हो जाती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये होती है 20 से लेकर 45 ईयर तक। अगली है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये होती है 45 to 65 एज। और इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर, ये होती है 65 से लेके जब तक डेथ नहीं हो जाती किसी की, ठीक है। तो ये 8 हमारे पास स्टेजेस हैं। अब हम एक एक स्टेजेस को देख लेते हैं कि हर स्टेजेस में होता क्या क्या है, लेकिन याद रखना है जो जैसे मेरा ये, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरा ये राइट है और ये क्या है मेरा लेफ्ट साइड है। तो जो लेफ्ट वाले हैं ट्रस्ट ऑटोनॉमी इंटीमेसी इंडस्ट्री आइडेंटिटी इंटीमेसी जनरेटिविटी और इंटीग्रिटी, ये सारे हमारे पॉजिटिव पार्ट हैं। और यहां से मिस्ट्रस सेम गिल्ट इंफेरिटी कंफ्यूजन आइसोलेशन स्टैग्नेशन और डिस्पेयर, ये सारे हमारे क्या है नेगेटिव पार्ट हैं। तो अगर एक बच्चे में एक ह्यूमन में ये वाले पार्ट ज्यादा होंगे तो ये कम होंगे, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होंगे, ठीक है। और एक स्टेजेस दूसरे स्टेजेस को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो हम हर स्टेजेस को एक एक करके समझ लेते हैं कि हर स्टेजेस क्या क्या बोल रही है ना। तो सबसे पहली जो स्टेज है हमारी वो क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, हिंदी में विश्वास बनाम अविश्वास,
पे ना कई बच्चे एंड लगा देते, तो एंड ही लगाना है, है ना। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वर्सेस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना। वैसे ही तो विश्वास बना अविश्वास। तो जो ये एज पीरियड है, इसमें सबसे पहले हमें याद रखना एज पीरियड क्या है, तो कितना है 0 to 18 month, मतलब 0 to 1.5 साल तक, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसको इन्फेंसी रेट भी, इन्फेंसी भी बोलते हैं, मतलब शैशवावस्था, है ना। तो ये कितनी होती है हमारे 0 to 18। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर एक छोटा बच्चा है, है ना, हम छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से ही लव, कुछ वर्ड है लव, केयर, सिक्योरिटी, ये सब देते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, आगे वाली स्टेजेस के लिए, हम आगे वाली स्टेजेस करेंगे, तो वैसे ही जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, जो बच्चे के अंदर एक वैल्यू जानी है, वो वैसे ही जाएंगी, है ना। अगर उसको लव मिल रहा है फैमिली वालों से, मम्मी पापा से, केयर मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, तो उसमें क्या बन जाएगा, एक ट्रस्ट बन जाएगा, उसमें एक विश्वास बन जाएगा कि हाँ मुझे ये सब मिल रहा है। वही अगर ये सब ना मिले, हम इसको लेके चलेंगे पॉजिटिव पॉइंट और इसको लेके चलेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो अगर बच्चे को लव, केयर, सिक्योरिटी ये सब मिलता है, तो हम उसको और फील, फील मतलब उसको अच्छा फील हो रहा है, तो उसमें हम मानेंगे उसमें पॉजिटिव थिंक आ रही है, किसकी तरफ, ट्रस्ट की तरफ, उसमें विश्वास बन रहा है। और जब ये सब नहीं मिल रहा, तो उसमें क्या हो रहा है, मिसट्रस्ट बन रहा है। तो बच्चे में बहुत जरूरी है कि इस एज में बच्चे में ट्रस्ट बने, है ना, विश्वास बने। आपने भी देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी मम्मी की गोदी में ज्यादा पसंद करते हैं, पापा के पास, भाई बहनों के पास, है ना। मैं या कोई और चला जाए तो बच्चा उसकी गोदी में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसको अपने मम्मी पापा भाई बहनों पे ट्रस्ट बन जाता है इस एज में, है ना। नहीं तो जब स्टार्टिंग में बच्चा होता है तो किसी की गोदी में चला जाता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो उसी के पास जाना पसंद करता है जिसपे उस पर ट्रस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें फीडिंग, ठीक है, कि बच्चे में फीडिंग क्या हो रही है, ठीक है, तो वो उसमें ये चीज आती है, तो वहां पर होगा ट्रस्ट, अदरवाइज मिसट्रस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि बच्चे में क्या बने, ट्रस्ट बने। तो जो बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, मतलब जब बात कर रहे हैं, जब ट्रस्ट बनता है तो बच्चे में क्या बनती है, होप बनती है ना, क्या बनती है, होप, मतलब जीवन में जीने की आशा, और मतलब पॉजिटिव व्यू आता है किसमें, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एज में। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सेकेंड स्टेज, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, है ना। क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, मतलब स्वयं सत्ता बनाम लज्जा। अब इसकी जो हम एज देखते हैं, वो एज कितनी हमारे पास, हमने वहां पे 1.5 साल छोड़ा था, तो 1.5 to 3 years। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे में क्या होता है, सबसे पहले, और इसको अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, मतलब पूर्व बालावस्था ही बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एक्टिविटी की जाती है, वो कौन सी एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों से, टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना, कि मतलब बच्चों को कैसे, मतलब टॉयलेट यूज करना है, कैसे अपने हैंड वॉश करनी है, क्या करना है, ये सब यहाँ पे कराया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स से घुलता मिलता है, मतलब पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है, रिलेशन वो बेटर होते हैं, कैसे होते हैं, बेटर। अब यहाँ पे क्या है, अगर उसको ये टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे पूरी तरह से मिल रखी है, तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप को क्या सोचेगा कि हाँ मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, है ना। और अगर वो नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, टैंटर, मतलब शेमलेस फील करेगा या लज्जा फील करेगा, ठीक है। तो ये होते हमारे पास सेकंड स्टेज, ऑटोनॉमी वर्सेस से। हम थर्ड स्टेज देख लेते हैं, इनिटिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब पहल बनाम संदेह या हीनता, जो भी बोलना है बोल देते हैं, है ना, हीनता। अब ये जो एज है वो कितनी होती है हमारे पास, 3 to 6 years, है ना, क्या होती है, 3 to 6 years। अब इस एज में इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं, अब इस एज में क्या होता है, पहल बनाम हीनता, मतलब बच्चा खुद करता है ना, मतलब कुछ कुछ एक्टिविटी होती है, इसको हम प्ले एज भी बोलते हैं, कौन सी एज भी बोलते हैं, प्ले एज, है ना। तो
इसमें क्या करता है, बच्चा खुद करता है, मतलब मिट्टी से खेलना, ड्राइंग करना, लिखना, सब कुछ खुद करता है, तो उसमें क्या आता है, इरिटेटिव आ जाती है। अगर वो ये चीजें नहीं कर पाता तो उसमें क्या आती है, हीनता आ जाती है, गिल्ट आ जाती है। और अगर वो ये बच्चा करता है तो मतलब देखो सारी चीजें सेम चल रही है, अगर ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट ना, वहां पे मिस्ट्रस्ट हो जाता है ना, तो सेकंड वाली वो ना कर पाता है ना, जो हमारी स्टेज थी, अगर उसमें भी खराब होता तो ये वाली स्टेज ना कर पाता। तो ये क्या हो गया, इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, खुद करके सीखता है, ताकि वो क्या करता है, आगे जीवन में अपने आप को ये सोच पाता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना। और अगर वो नहीं करता तो वो क्या करता है, गिल्ट महसूस करता है, यार सबको आता है मुझे ही नहीं आता है ना। तो ये हो गया हमारी थर्ड स्टेज। तो फोर्थ स्टेज देखते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियरिटी। मतलब इंडस्ट्री मतलब अगर हम बात कर ले व्यवसाय बनाम इनफीरियरिटी, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वही हीनता कि वो अपने आप को कम समझ रहे हैं, ठीक है। और ये एज हो जाएगी हमारे पास 6 to 12 years, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल एज भी बोलते हैं। अब मतलब यहाँ क्या करेगा बच्चा, अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, है ना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरों अपने आप को दूसरों से कम्पीट कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे क्या उसके अंदर कुछ करने की भावना पैदा होगी। अगर वहां पे अगर वो पहल करेगा तब उसके अंदर करने की भावना होगी, लेकिन अगर वो गिल्ट महसूस करेगा तो यहाँ पे वो अपने आप को इनफेरियरिटी महसूस करेगा, है ना। तो मतलब सारी स्टेजेस क्या है, एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको टास्क मिल रहा है और वो कुछ करने के बारे में सोच रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ने की आशा उत्पन्न हो रही है। तो ये हमारी है फोर्थ स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास फाइव जो एज है वो कौन सी है, आइडेंटिटी, ध्यान लिख लेते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब जब देखो रोल कंफ्यूजन, सिंपल से हम बात करते हैं, रोल कंफ्यूजन कहां पे आती है, एडोलेसेंस एज में, है ना, कहां पे आती है, एडोलेसेंस एज में। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 12 to 20 years, है ना। मतलब 12 से लेके 20 साल तक की जो एज होती है, वहां पे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। मतलब वो कंफ्यूज है यहाँ एज में आके, है ना। इसको हम किशोर अवस्था भी बोलते हैं, जिसको हम तूफान की अवस्था भी बोलते हैं, है ना, क्राइसिस जिसको बोलते हैं, कि बच्चा कंफ्यूज है यहाँ पे इस एज में आके। क्या करता है, बच्चे को अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि देखो जो 12 से लेके 20 साल तक की, ये 12 जो 20 साल तक है, उसमें क्या होता है, बच्चे का बचपन जा रहा होता है और एडोलेसेंस आ रही होती है। तो बच्चे को ये बोला जाता है कि आप अभी बच्चे नहीं हो, है ना, कोई काम करता तो इतने बड़े हो गए। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो बड़ा है या फिर छोटा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है, ठीक है। अगर तो आइडेंटिटी ढूंढ लेता है ठीक है, वरना वो रोल कंफ्यूजन में ही कंफ्यूज रहता है कि वो आखिर है कौन, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको सोशल डेवलपमेंट का पार्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आके बच्चा क्या करता है, स्वयं को ढूंढता है कि वो है कौन, सोसाइटी के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, है ना, इन्वॉल्व होता है। अगर वो देखो यहाँ पर अच्छा होता है तो वो आगे आने वाली में और क्या होगा, अच्छी एज से करेगा। अगर ऊपर से ही वो गलत होता जा रहा है तो वहां पे उसको रोल कंफ्यूजन रहेगी। तो यहाँ पे क्या करता है, नॉलेज आती है उसकी, निष्ठा से काम करता है। अगर उसको पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, तो वो क्या करता है, अपनी निष्ठा से, मतलब मेहनत के साथ सब कुछ काम करता है, उसको अपनी आइडेंटिटी का पता चलता है, अदरवाइज वो क्या रहता है, रोल कंफ्यूजन में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आता है, पहचान बना भूमिका भ्रांति। अब हमारे पास जो सिक्स स्टेज आते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मतलब अंतर्गतता बनाम अकेलापन। अब जो ये एज होती है वो होती है 0 to 45, ठीक है, और ये प्री चाइल्डहुड के, मतलब पोस्ट चाइल्डहुड के अंदर आ जाती है। अगर हम बात करें इंटीमेसी, अब जब जो बच्चा है, जो मनुष्य है, वो अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर लेता है, ठीक है, तो ये एज आती है जहां पे जो व्यक्ति है वो क्या करता है, मैरिज करता है, रिलेशन बनाता है, उसको लव केयर इन सब की क्या होती है, जरूरत हो जाती है। अगर उसके जो रिलेशनशिप हैं वो हेल्दी होंगे, कैसे होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो वो क्या करेगा, इंटीमेसी फील करेगा। अगर ये सब नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा, अकेलापन महसूस करेगा, ठीक है। तो इस एज में आके क्या करते हैं, हमारे पास जो व्यक्ति होता है उसको एक पार्टनर की जरूरत होती है, हम ऐसे बोल सकते हैं, वहां पे मैरिज करते हैं, रिलेशन होता है, लव केयर हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप बनते हैं। तो वहां पे क्या आता है, इंटीमेसी। अगर ये तो सही चल रहा है, अगर ये नहीं हुआ, कुछ भी गड़बड़ होगी एक चीज में,
तो व्यक्ति कहाँ चलाता है, अकेलापन, आइसोलेशन की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट इज अगर हम देखें सेवन, तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब उसकी मैरिज भी होगी है ना, उसके बच्चे भी हैं, सब कुछ है। अब जो ये एज है वो हमारी 45 to 65 ईयर, जिसको बोलते हैं उत्पादनशीलता बनाम जड़ता। अब देखो सबसे सिंपल सी बात है, अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई अचीव करा है, कोई मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मैं आगे अपने आने वाली जनरेशन को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को है ना, अपने बच्चों को मैं क्या बताऊंगी, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बताऊंगी है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने बिजनेस की तरफ, अपने वर्क की तरफ डेडिकेशन होता है ना, मतलब ज्यादा डेडिकेट होता है, मतलब कुछ करना चाहता है, उसके अंदर उत्पादनशीलता है, वो अपने जो व्यवसाय है उसमें कुछ न्यू अचीवमेंट करना चाहता है। अगर तो वो करता है तो वो जनरेटिविटी है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है ना, कि वो नहीं कर पाया अपनी लाइफ में कुछ भी, तो वो आगे क्या बताएगा, तो वो क्या होता है हताश, निराशा, मतलब स्टैग्नेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास उत्पादनशीलता बना जड़ता। अब देखो एक चीज हम स्टार्ट कहां से हुए थे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट होगा, आइडेंटिटी होगी है ना, इंडस्ट्री होगा, जनरेटिविटी होगी, तो ये सब क्या आ रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मतलब इस जो एज बता रखी है इसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने रिलेशनशिप से भी आगे निकल के आ रखा है, अब वो सिर्फ कुछ कर दिखाना चाहता है। अगर वो कुछ कर दिखाना चाहता है तो वो अच्छे इम्पैक्ट देगा आगे वाली जनरेशन को, खुद भी अच्छा फील करेगा, अगर नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा, स्टैग्नेशन फील करेगा। पास जो लास्ट स्टेजेस है वो क्या है, इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। अब संतुष्टि बनाम हताशा, और ये जो एज है वो क्या है 65 से अबव है। अब देखो सिंपल सा, जो ये एज आ गई है ना 65, मतलब ऐसी एज बोलते हैं जिसमें जो व्यक्ति होता है ना वो दोबारा से अपना बचपन जीने लग जाता है। तो अगर तो उसकी लाइफ में बचपन से ही, मतलब 0 to 18 months से लेकर ही 65 का सब कुछ पॉजिटिव 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 चलता आ रहा है, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा। इंटीग्रेटेड मतलब संतुष्टि फील करेगा कि हाँ मैंने अपना लाइफ जो है बहुत अच्छे ढंग से जी ली है ना, जो कुछ करना था मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से कर लिया, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, है ना। तो मतलब यहाँ पे एक आती है ओल्ड एज। कौन सी एज है ये, ओल्ड एज। तो अगर तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता आया है तो वो संतुष्टि फील करेगा, उसके पास जो भी है उसको वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास कुछ कम है, मतलब संतुष्ट है, सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में है ना। और जो वो ओल्ड एज, जो बुढ़ा या बुढ़ी जो भी है, वो क्या होगा, एक सहनशील, एक मतलब शांत स्वभाव का व्यक्ति बनेगा लास्ट में जाकर है ना। अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है, उसमें मिसट्रस्ट रहा है, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है, उसके रिलेशन बेटर नहीं है लाइफ में, तो वो इस एज में आके कैसा बन जाएगा, थोड़ा चिड़चिड़ा सा बन जाएगा है ना, गुस्से वाला बनेगा, शॉर्ट टेम्पर बन जाएगा, और अपनी लाइफ से क्या करेगा, डिस्पेयर मतलब हताशा फील करेगा कि मैंने अपनी जिंदगी में करा ही क्या है। तो जो ये स्टेजेस थी और जो स्टेजेस हैं, ये एक स्टेजेस दूसरे पे क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है ना। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे उसने जनरेटिविटी करी होती है ना, तो वहां पे इंटीग्रेटेड फील करेगा, अगर वो यहाँ पे नहीं करता तो यहाँ पे भी नहीं आता। मतलब अगर इनकी जो आज स्टेजेस हैं कोई भी ब्रेक होती है तो आगे आने वाली सारी स्टेजेस भी क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो इरिक्सन है वो ऐसे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम करा कि जो व्यक्ति की जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो 8 होती हैं और बर्थ टू लेके डेथ तक चलती रहती है डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें आप बात कर लो ट्रस्ट वर्सेज मिस्ट्रस्ट की बात कर लो है ना, चाहे इंटीमेशन आइडेंटिटी वर्सेज इनफेरिट मतलब क्राइसिस की बात कर लो, कंफ्यूजन की बात कर लो, तो ये हमारी आज स्टेजेस हैं और आपको इसी तरह ये स्टेजेस याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई किसी में कंफ्यूजन होगी तो बता देना, और अगर आपको स्टेजेस याद करने में डिफिकल्टी आ रही है तो क्या करोगे, आप उनका जो फर्स्ट वर्ड है उसको लेके कोई निमोनिक बना सकते हो जिससे आप उसको याद करो। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।